प्लास्टिक रिसाइकलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स या रैपर्स जैसे प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। ये वेस्ट लैंडफिल साइट्स या ओशन में ट्रांसफर होता है, जहां पे इसके डिग्रेडेशन में कई सौ से लगा के हजारों सालों का लंबा समय लगता है। आपने ये जरूर सोचा होगा कि हम प्लास्टिक्स को रिसाइकिल क्यों नहीं कर लेते। आइए ब्रीफ में से एक बार देखते हैं। प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करने के लिए पहले तो डिफरेंट प्लास्टिक्स को मैन्युअली अलग किया जाता है। ये प्रोसेस काफी लेंथी और मेहनत वाला होता है। कई तरह के मटेरियल्स में मिक्स पॉलीमर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें रिसाइकिल करने के बजाय डंप कर दिया जाता है। प्लास्टिक को अगर किसी तरह रिसाइकिल कर भी लिया जाए तो रिजल्टिंग प्लास्टिक की क्वालिटी में कमी आ जाती है। सच तो यह है कि प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग रेट दूसरे रिसाइकलिंग रेट से बहुत कम होता है, लेकिन इन दिनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्लास्टिक रिसाइकलिंग रेट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दुनिया भर में प्लास्टिक पॉलीमर्स को प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया गया है, जिनका इस्तेमाल रिसाइकलिंग में किया जाता है। इन कोड्स को आप किसी भी रैपर या प्लास्टिक मटेरियल्स पे आसानी से देख सकते हैं। अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करती हैं। जनरली नंबर वन और नंबर टू के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल होता है। इन हायर नंबर की प्लास्टिक्स को रिजिड प्लास्टिक कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स को डिस्पोज करना एक मुश्किल काम है। प्लास्टिक्स के यूज को घटाने, रिसाइकिल करने या रीयूज करने के अलावा क्या आपके पास इन्हें डिस्पोज करने का कोई आइडिया है? वीडियो रोक के इस पे सोचिए। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इन्हें बर्न करके मिली हुई एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए। पीवीसी जैसे कुछ प्लास्टिक्स में हेलोजिनेटेड पॉलीमर्स होते हैं। जब इन पॉलीमर्स को बर्न किया जाता है तो इनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होती हैं। ये फ्यूम्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। लगभग 10% ऑयल्स का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स के रूप में किया जाता है, और इसके बाद अगर हम पॉलीमर्स का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो यूज किए जाने वाले ऑयल अमाउंट लगभग डबल हो जाएगी। आपने बायोप्लास्टिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये प्लास्टिक्स का सबसे अच्छा अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है ये कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? वीडियो रोक के इस पे सोचिए। बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी ये कॉम्पोस्टेबल है। इसे बैक्टीरियल प्रोसेस के जरिए डिस्पोज किया जाता है। हालांकि ये तो इसके फायदे हैं, लेकिन फिर भी बायोप्लास्टिक्स के साथ में कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना जरूरी है। बायोप्लास्टिक्स जनरली स्टार्च, मेज, सेल्यूलोज और पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। ये सभी मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे ये बड़ा ही आसान सा सवाल है कि लैंड का इस्तेमाल हम बायोप्लास्टिक्स का रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए करें या अनाज उगाने के लिए। हालांकि पहले हमने कहा था कि बायोप्लास्टिक्स कंपोस्टेबल होते हैं, लेकिन वास्तव में ये किसी प्लांट मटेरियल के जैसे पूरी तरह कंपोस्टेबल नहीं होते। अगर आप किसी बायोप्लास्टिक फोक को अपने कंपोस्ट में फेंक दें और ये मानकर चलें कि कुछ महीनों में ये डर्ट में तब्दील हो जाएगा, तो आपको निराश होना पड़ेगा। वास्तव में बायोप्लास्टिक्स को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए हमें हाई इंटेंसिटी के साथ साथ हाई हीट की जरूरत होती है। आइए एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं। प्लास्टिक्स को डिस्पोज करने के लैंडफिल, रिसाइकलिंग या इंसिनरेशन जैसे मेथड्स की कई समस्याएं हैं। हालांकि बायोप्लास्टिक्स नॉर्मल प्लास्टिक्स की अपेक्षा थोड़ा अच्छा रहते हैं, लेकिन लैंड यूज, क्वालिटी और कंपोस्टिंग प्रोसेस के चलते इसे प्लास्टिक्स का बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं कहा जा सकता। प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को घटाना और सभी प्लास्टिक्स को एक साथ डिस्पोज करना ही एकमात्र बेस्ट अल्टरनेटिव है।